तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं देसी घी के होलसेल के बिजनेस के बारे में कि आप देसी घी का होलसेल का बिजनेस कैसे कर सकते हो, इसमें कितना मुनाफा आता है, कितना लागत आपको आता है और इसमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हम जितने भी बिजनेस और फ्रेंचाइज रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि घी का होलसेल बिजनेस होता क्या है। तो जब आप किसी बड़ी सिटी से घी को लाते हो या फिर किसी बड़ी कंपनी से घी को लाकर सस्ते से सस्ते रेट में पाते हो और उसको रिटेलर तक अपने मार्जिन के साथ बेच देते हो, उसे ही घी का होलसेल बिजनेस कहते हैं, जिसमें कि आपको मुनाफा अच्छा खासा हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आप घी का होलसेल बिजनेस करते हो तो आप इसको कितने प्रकार से कर सकते हो। तो दोस्तों इसको आप दो प्रकार से कर सकते हो, आप अपने बजट के हिसाब से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर यदि आप लोकल घी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इसमें आप किसी बड़ी सिटी से ले सकते हो घी को, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद जैसी जगहों से आप ले सकते हो घी को और उसको अपने प्रोडक्ट के नाम से भी सेल कर सकते हो या फिर खुला देसी घी के नाम से भी सेल कर सकते हो। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर, यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, जिसमें कि आप फ्रेंचाइजी लेकर अपना फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हो और किसी भी कंपनी की घी को सेल कर सकते हो, जैसे अमूल घी का, मदर डेयरी घी का, ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो आपको फ्रेंचाइजी देती है और आप इसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो अब बात करते हैं घी का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर घी का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कई सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, गोदाम और शॉप की जरूरत पड़ेगी, जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पर घी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी पड़ेगी और हो सके तो कम इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यह जो है कि आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आप लोकल प्रोडक्ट का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट जो है 2 से 3 लाख रुपए आएंगे, यदि आपका गोदाम और दुकान खुद का साधन है तो। और ब्रांड के लिए अगर स्टार्ट करते हो, किसी के कंपनी का फ्रेंचाइजी लेते हो, तो वहाँ पर 5 से 10 लाख रुपए आपको आसानी से इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है कि प्रोडक्ट का ब्रांड सिक्योरिटी भी देना पड़ता है। और अगर आप बात करें घी का होलसेल बिजनेस के लिए आपको ज़मीन की कितनी ज़रूरत पड़ती है, दोस्तों घी का होलसेल बिजनेस करने के लिए आपको ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर सिर्फ शॉप बनानी पड़ती है और छोटा सा गोदाम बनाना पड़ता है, इन दोनों को अलग अलग ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप बात करें कि ज़मीन की ज़रूरत, तो यहाँ पर आपका शॉप के लिए आपका 150 से 200 स्क्वायर फीट की ज़मीन चाहिए होगी और गोदाम के लिए 200 से 300 स्क्वायर फीट की ज़मीन चाहिए होगी। और अगर टोटल स्पेस की बात करें तो आपके पास अगर 400 से 500 स्क्वायर फीट की ज़मीन है तो आप इस बिज़नेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको घी का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर घी का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स तो कुछ पर्सनल चाहिए होंगे और कुछ बिज़नेस से संबंधित लाइसेंस लेने पड़ेंगे। पर्सनल डॉक्यूमेंट के अंदर आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, जैसे कि आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड भी दे सकते हो। वहीं आधार एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें कि आप राशन कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हो। बैंक अकाउंट देना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज का फोटो देना पड़ेगा, ईमेल आईडी और आपका जो है फ़ोन नंबर लगता है। और अगर बात करें बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के लिए तो वहाँ पर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए होगा अगर आप अपने ब्रांड से इस प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हो तो, और बिजनेस पैन कार्ड नंबर चाहिए होगा अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो, और आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए क्योंकि आप जीएसटी नंबर से ही अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि घी के होलसेल बिजनेस के लिए आप प्रोडक्ट कहाँ से खरीदेंगे। तो दोस्तों घी के होलसेल बिजनेस के लिए आप प्रोडक्ट किसी बड़ी कंपनियों से खरीदें और या फिर फ्रेंचाइजी लें तो किसी ब्रांडेड कंपनियों के फ्रेंचाइजी लें, क्योंकि उनके जो नाम होते हैं वो पहले से होते हैं और आपका प्रोडक्ट चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करते हो तो इसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलता है। तो दोस्तों इस बिज़नेस के अंदर आपको 50 से 60% प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है, तो इसके हिसाब से अगर आप बिज़नेस करते हो तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। और यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, जो कि आप सस्ते रेट में सामान लेकर और अच्छे खासे पैसे कमाते हुए बेच सकते हो। तो दोस्तों यह रहा तरीका जिससे कि आप घी का होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास इतने संसाधन हैं तो आप आसानी से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जितने भी बिजनेस और फ्रेंचाइज रिलेटेड वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे।